तिलोत्तम में दिनांक 9 दिसंबर 2022 को एतिव्रता नेटवर्क और परिवर्तन के विकास के तत्वधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा विरोधी पखवाड़ा अभियान के तहत रैली निकाली गई। संस्था के सचिव सविता डे ने बताया कि यह अभियान 25 नवंबर से 10 दिसंबर 2022 तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत हमारे अधिकार को सुरक्षित करो, हम सबकी आवाज हिंसा के खिलाफ, महिला हिंसा दूर करो, हर महिला का अधिकार, बाल विवाह बंद करो, हिंसा अब नहीं सहना है, नारे लगाते हुए तिलोत्तम मुख्य बाजार से होते हुए सरकारी अस्पताल होते हुए वापस महिला मंडल के प्रांगण में सभा में तब्दील हो गई। बैठक में महिलाओं के अधिकार पर चर्चा किया गया। महिलाओं में जेंडर हिंसा, भेदभाव हो रहे घर के अंदर को बताया और उस पर रोकने के उपाय भी बताया। महिला जनप्रतिनिधियों ने बताया कि हमें अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने घर से ही आवाज उठानी पड़ेगी ताकि दुनिया भर में हो रहे महिला हिंसा, किशोरियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोका जा सके। संस्था के सचिव सविता डे ने घरेलू हिंसा के कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दिया और कहा कि किसी भी महिला या किशोरी के साथ किसी तरह की हिंसा होती है तो मुझे तुरंत सूचित करें। उचित न्याय दिलाने के लिए हमेशा आप सबके साथ रहूंगी। और टोल फ्री नंबर के बारे में भी जानकारी दिया, कहा कि 112 नंबर महिलाओं के लिए और 1098 चाइल्डलाइन बच्चों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता है। आप सब अपने घर के लड़के और बालिकाओं को जरूर बताएं कि आप सब अच्छे से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो, कुछ करो, बुरी आदत में मत जाओ। कार्यक्रम में शामिल महिला मंडल के सचिव रंजना जी, जिला परिषद विमला कुंवर, परिवर्तन विकास के सचिव सविता डे, संस्था के कार्यकर्ता सुमित्रा देवी, अर्पिता सिंह, शीला देवी, रजिया खातून एवं महिला प्रतिनिधि कमला देवी, आशा देवी, तारा देवी, मीरा देवी शामिल हुई। डेहरी से पुष्पा कुमारी की रिपोर्ट।